हेलो, आज हम लोग सॉल्व करेंगे हीट कंडक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब बाय द हेल्प ऑफ एंसिस। तो जो हम लोग का प्रॉब्लम डिफिनेशन है कुछ इस तरह का है, जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो 0.4 मीटर का है, लेंथ ऑफ स्लैब 2 मीटर और विड्थ ऑफ स्लैब 2 मीटर का है। आप लोग जानते होंगेगा कि जो हीट ट्रांसफर का मोड होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम लोग यहाँ पे कंडक्शन का इक्वेशन यूज कर रहे हैं स्टेट कंडक्शन का, टू इक्वल्स टू के पी टी बाई टी एच। के इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड पी टी बाई टी एच इज टेम्परेचर ग्रेडिएंट अक्रॉस द स्लैब। और यहाँ पे जो हम लोग एंसिस में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल स्टील का यूज कर रहे हैं और उसका थर्मल कंडक्टिविटी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे गिवन है 60.5 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हम लोग एंसिस में पहले सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हीट ट्रांसफर आ रहा है उसमें, और उसको फिर हम लोग वैलिडेट करेंगे बाय द एनालिटिकल।
इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों ने देखा कि एनसिस का रिजल्ट है उसमें टू का वैल्यू जो आया था वो 60500 वाट का था, और कैलकुलेशन में भी आप लोग देख सकते हैं जो कैलकुलेशन से भी वैल्यू आया है वो भी आया है 60500 वाट का। यहाँ पे स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी यूज़ किए हैं और ये एरिया सेक्शन है कम्युनिटी, और ये टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस फॉर स्लैब सर्फेसिस और स्लैब है, इसके थ्रू आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है। इससे हम लोग एक कंक्लूड कर सकते हैं कि वो तक रिजल्ट है वो करेक्ट है। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेरे चैनल को। थैंक यू।